जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश दुनिया और राज्य की कुछ प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने स्पेस इंडस्ट्री से जुड़ी अपनी कंपनियों को चेतावनी जारी की है कि चीन और रूस उन पर सैटेलाइट हमले कर सकते हैं या फिर उनकी जासूसी कर सकते हैं। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्वपल्ली बीएड कॉलेज नोगली रामपुर बुशहर। कनाडा में बढ़ते जंगल की आग की वजह से केलोना और येलोनाइफ के निवासियों को अपनी जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। येलोनाइफ के बाहरी इलाके में जंगल की आग मंडराने के कारण उसे खाली करने की आधिकारिक सीमा समाप्त हो गई है, लेकिन निवासी हवाई और सड़क मार्ग से निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रक्षा निर्माण में मेक इन इंडिया के तहत देश ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। डीआरडीओ द्वारा विकसित P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम की मदद से अब युद्ध के मैदान में 7 टन तक वजन सामान को पैराशूट के जरिए आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंचने को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। उन्होंने इस उपलब्धि की जमकर सराहना भी की। जनधन खातों में आधे से ज्यादा महिलाओं के खाते शामिल हैं। बेंगलुरु के संगोली रियात्रा रेलवे स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई। उद्यान एक्सप्रेस के स्टेशन पर पहुंचने के दौरान ही यह आग लग गई। यह घटना यात्रियों के ट्रेन से उतरने के 2 घंटे बाद हुई। कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के विधायक एसटी सोमशेखर गौड़ा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की तारीफ करते हुए उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बताया है। और अब बात करते हैं राज्य की कुछ प्रमुख खबरों की। परवाणु शिमला 4 लेन अभी पूरा बना भी नहीं है और यह लगातार ढहता जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार 4 लेन निर्माण के समय कंपनी ने 45 मीटर कटिंग करने के लिए सरकार और एनजीटी से अनुमति मांगी थी। इसमें 30 मीटर में सड़क और डिवाइडर बनने थे, 15 मीटर में स्टेप कटिंग होनी थी, मगर कंपनी को सिर्फ 35 मीटर कटिंग की ही अनुमति मिली थी। हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते हुए भीषण तबाही को देखते हुए सुक्खू सरकार ने राज्य आपदा घोषित कर दी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार मूसलाधार बारिश के कारण हुए भारी नुकसान को राज्य आपदा घोषित कर रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के गाला किस्म के सेब ने न्यूजीलैंड के आयातित सेब को दामों के मामले में पछाड़ दिया है। लुधियाना फल मंडी में शुक्रवार को कोटखाई के बागवान का गाला किस्म का सेब 250 रुपए किलो बिका, जबकि न्यूजीलैंड के आयातित सेब को 200 से 240 रुपए रेट मिले। इसके अलावा समाचार पत्र पर भी जरूर नजर डालें। मिशन का पिरामिड आज भी एक रहस्य है। इसका निर्माण कैसे हुआ, इसको लेकर आए दिन कई थ्योरी सामने आती रहती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने पिरामिड के निर्माण से संबंधित रहस्य के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। गीजा के ग्रेट पिरामिड को 23 लाख चूना पत्थरों और ग्रेनाइट ब्लॉक से बनाया गया है। इसमें से हर एक का वजन करीब लगभग 2 टन है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे बिना क्रेन के इसे यहाँ पर कैसे उठाकर लाया गया। सदियों से यह रहस्य बरकरार है जिसने इतिहासकारों को हैरत में डाल रखा है। कुछ लोगों का मानना है कि यह काम एलियंस ने किया है। जाहिर है मैं इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। सर्वपल्ली बीएड कॉलेज एवं राधे राधे वेटनरी फार्मासिस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नोगली रामपुर बुशहर जिला शिमला की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शैक्षणिक सत्र 2023-25 के लिए प्रवेश आरंभ, आज ही संपर्क करें।